नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई, जी हाँ साथियों, इमिग्रेशन की शिकायत पर रेड। जी हाँ साथियों, अब जब पुलिस रेड डालती है किसी ऑफिस में और जो लोग खास तौर से काम करते हैं विदेश भेजने का, और होता क्या है आपको पता है, मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ पंजाब मोहाली सबसे बड़ा गढ़ राज्य इंडिया का वही है, समझ गए बात को। अगर वहां जाके सर्च अभियान चलाए ना प्रत्येक ऑफिस में, तो 100% 99 ऑफिस ऑफिस हैं वो फेक हैं, फर्जी हैं, बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ। जी हाँ साथियों, फर्जीवाड़ा इमिग्रेशन की रेड जब पुलिस की पड़ी तो वहां से देखिए क्या क्या सामग्री बरामद हुई, क्या क्या आप लोगों के जो मेरा वीडियो देख रहे हैं हो सकता है उनमें से भी बहुत सारे लोग मोहाली पहुंचे होंगे अपने डॉक्यूमेंट देके विदेश जाने के लिए एजुकेशन पर्पज से। जी हाँ साथियों, इमिग्रेशन की शिकायत में रेड, आपको बता दूं, रेड में जाली स्टम्प और सर्टिफिकेट मिले, यानी उन 60 के करीब मोहरे मिली है, मोहरे जो अलग अलग कंट्रीज में जो कॉलेज है ना उनकी मोहरे हैं, वही बना रखी है पूरी ऑफिस में, 60 मोहरे वही ऑफिस में बना रखी है, कॉलेज है, सर्टिफिकेट एक तरफ पड़े थे, सब फर्जी था, फर्जी मोहर लगाई, फर्जी सर्टिफिकेट आपको पकड़ा दिया, ये लो जी आपका काम हो गया। डिटेल से बात करेंगे, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पूरे डिटेल से। मामला मोहाली में पेज नंबर 1 का है। जी हाँ सर, वहां पे एक संजय नाम का बंदा इंस्टीट्यूट चलाता है, कौन सा इंस्टीट्यूट बता दूं, इंस्टीट्यूट कौन सा होता है, विदेश में आईलेट्स करवा देंगे हम, कोर्स करवा देंगे, वो स्टूडेंट होते हैं आपको पता ही है। पुलिस को वहां पे रेड पड़ी तो काफी मात्रा में 60 के करीब मोहरे और जाली सर्टिफिकेट प्राप्त हुए। जी हाँ, तो उनके आधार पे फिर काफी सारे कंप्यूटर भी वहां पे जब्त किए गए ताकि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जा सके, जितने भी एविडेंस थे सबको जब्त करके पुलिस थाने में लेके आ गई ताकि उसको जांच की जाए कि भाई माजरा क्या है हकीकत। पुलिस ने इस मामले में संजय और उसके दो साथी, जी हाँ अभिषेक और समीर के खिलाफ आपराधिक धारा, इसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जी हाँ, हालांकि अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। माजरा कैसे हुआ मैं बता दूं, संजय का कोई जानकार था जो ऑफिस का मालिक बना बैठा है, उसने दूसरे देश में भेजने के लिए 2,50,000 रुपए ले लिए थे। जी हाँ साथियों, लेकिन उसने नहीं तो पैसे वापस लौटाए और नहीं उसको विदेश भेजा, तो उसने आगे टाइम मांग लिया, तो उसने क्या किया फिर पुलिस में वहां पे जाके लिखित में शिकायत कर दी कि ऐसे ऐसे माजरा हुआ है, तो पुलिस ने अपनी पूरी पार्टी के साथ वहां पे रेड मार दी, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट वहां पे मिल गए। आर्थिक अपराध शाखा इसकी जांच करेगी पूरे माजरे को। पहले तो पुलिस में इसमें ये भी जानकारी मिली है कि भाई 90% मामले पुलिस वहीं सलटा देती थी, एजेंट को बुला लिया, पैसे देने वाले को बुला लिया, कुछ आप रख लेती, कुछ इधर उधर करके उनको सलटवा देती, कुर्द वुर्द कर देती, लेकिन वहां के जो नए DYSP उन्होंने साफ मना कर दिया कि थाने में लेन देन नहीं होगा, बिल्कुल मामला कोर्ट में जाएगा, वहां अपने स्तर पे सलटेंगे, क्योंकि ये मामला आर्थिक शाखा का बनता है। जी हाँ, उन्होंने ऐसा किया कि भाई पुलिस में रिश्वत घूसखोरी का मामले उसको नकेल कसने के लिए ताकि भ्रष्टाचार रोका जा सके और पीड़ितों को इंसाफ मिल सके। तो भाई ऐसा होता है, आपने भी कहीं पे डॉक्यूमेंट दे रखे होंगे थोड़े से पैसों के चक्कर में कि हाँ अमेरिका कनाडा सिंगापुर विजिट वीजा में या फिर घूमने के लिए चले जाएंगे और जॉब में चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, दिमाग से बात निकाल दे। आगे भी ऐसे कोई ऑफर आते हैं तो थोड़ा सा बच के रहें ताकि आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। बस जानकारी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।